आप सभी को यहाँ पे नमस्कार। मैं आप सबका अपना केपीजे स्टार, तो आप सभी मुझे जानते ही होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे जेकेपी पुलिस भर्ती के बारे में। आप सबको बताया कि पिछले 7-8 सालों से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जेकेपी पुलिस की भर्ती नहीं करवाई गई। बहुत ही शर्म की बात है, ऐसी जो गवर्नमेंट आई है जिसके कारण यहाँ पे 7-8 सालों से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक पुलिस की जो भर्ती है वो तक नहीं करवाई गई। आपको बता दो, हमारे भारत देश की बात करो, हर राज्य में 2-3 साल में एक जो पुलिस की भर्ती है वो यहाँ पे करवाई जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी जूटी है, आप सबको बता दूं, जहां पे 7-8 सालों से कोई भी जो पुलिस की भर्ती है वो यहाँ पे नहीं करवाई गई, जिसके कारण मैं आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा जो बेरोजगारी है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुकी है। जितने भी यहाँ पे युवा है वो यहाँ पे परेशान है। ऊपर से यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी यहाँ पे बातचीत की जा रही है, यार क्या लोगे आप प्रॉपर्टी टैक्स, हमारे जो जेब है ना ये बिल्कुल खाली है, ठीक है, अगर जो लेना है तो निकाल लो भाई जो निकलता है इन जेबों में से, ठीक है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, ये जो गवर्नमेंट है ना, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कम से कम यार पुलिस की भर्ती करवाइए, बच्चों को रोजगार मिले, कम से कम जो लड़के हैं उनकी नौकरियां लगे, लड़कियों की नौकरियां लगे, ताकि वो आपको प्रॉपर्टी टैक्स दे सके। ऐसे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं मिलता, ठीक है, आप बेरोजगारी बढ़ाते जा रहे हो। आपने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, ऐसे अच्छे दिन आप ला रहे हो जो हमने उम्मीद नहीं की थी। जैसे आपने बोला था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आपके आए हैं जो आप एसी वाली कारों में घूम रहे हो, हमारे अच्छे दिन नहीं आए। हम पहले भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो भर्तियां करवाइए, ठीक है, जेकेपी पुलिस की भर्ती करवाइए, 10-15 हजार वैकेंसी निकालिए ताकि रोजगार मिल सके बच्चों को, कोई अच्छे काम कीजिए। तो बाकी अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो ज्यादा दिल पे मत लेना, बस दिमाग पे और दिल पे थोड़ा सा ले लीजिए, काम कीजिए, भर्तियां करवाइए, और मेरी कोई मतलब आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप भर्तियां करवाइए, बच्चों को रोजगार दीजिए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जेकेपी पुलिस की जो भर्ती है 7-8 सालों से जो नहीं करवाई गई, काफी सारे बच्चों की एज खत्म हो चुकी है, काफी सारे बच्चों का जो कैरियर है वो यहाँ पे डूब चुका है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।